नमस्कार एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुखबीर सिंह, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन नई दिल्ली। आज मैं आपसे बात करूंगा टैटू रिमूवल के बारे में। टैटू बहुत ही कॉमन चीज है जो कई लोग बनवा लेते हैं, कई नेक में बनवाते हैं, कोई हाथों में बनवाते हैं, कोई छाती पे बनवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनवा देते हैं। अच्छा, बनवा देते हैं तो फिर कई लोगों को निकलवाने की जरूरत पड़ जाती है, बहुत सारे कारण है। सबसे कॉमन कारण है कि उन्होंने आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, या कोई भी ऐसी सर्विस में जाना है जहां पे टैटू अलाउड नहीं होता, तो वहां निकलवाने की आवश्यकता होती है। कई लोगों को ऑब्वियसली अफेयर के बाद यू नो गर्लफ्रेंड चेंज हो गई या दे वॉन्ट रिमूव इट, तो हटवाना पड़ता है। एनीवे, तो बहुत सारे तरीके हैं टैटू निकालने के। सबसे कॉमन जो तरीका होता है वो लेजर टैटू रिमूवल होता है, मतलब बिना ऑपरेशन के आप टैटू निकलवाएं वो लेजर के द्वारा। तो कुछ समझते हैं कि लेजर टैटू रिमूवल होता कैसे है और कितना सक्सेसफुल है। देखिए, एक तो लेजर टैटू रिमूवल स्पेशलाइज लेजर होता है, उसके लिए क्यूसिस्ट लेजर होता है, 1064 नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग नैनोमीटर वाला। तो जो टैटू जिसमें ब्लैक इंक होती है वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। बाकी आजकल हम जैसे कई लोगों को देख रहे हैं मल्टीकल टैटूज होते हैं, रेड ब्लू और तरह तरह के यू नो टैटू कलर्स होते हैं। सो जो ब्लैक इंक है वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करती है लेजर को। बाकी जितनी भी इंक्स होती हैं बहुत पोली रिस्पॉन्ड करती हैं, कई तो रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरह नहीं करती है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको पहले बताते हैं कि देखिए ब्लैक इंक वाले हैं वो ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे, जो बाकी दूसरे कलर्स हैं वो इतना अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट जानने की है कि लेजर जो होता है का जो माध्यम है वो मल्टीपल सेशन होते हैं, मतलब आपको हर 3 से 4 हफ्ते में रेपिटेटिव सेशन लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कराया तो हट गया, ऐसा नहीं होता है। तो मिनिमम आपको 4 to 6 सेशन लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की प्रोफेशनल टैटू है या एक बिल्कुल हल्का सा किसी ने चलते फिर से करा लिया है। क्योंकि प्रोफेशनल टैटूज जो होते हैं बहुत ही डीप होते हैं, उनको निकालने के लिए कम से कम 4 से 6 सेशन चाहिए होते हैं। और क्या इंक यूज हुई है वो भी बहुत जरूरी है। ब्लैक इंक अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, बाकी इंक जितना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। सो ऑलमोस्ट मान के चलिए लेजर का जो प्रोसीजर है पेनलेस होता है, क्योंकि हम पहले एक नंबिंग क्रीम लगा देते हैं आधा घंटा पहले, उसके बाद हम लेजर करते हैं जिसमें फील नहीं होता इतना ज्यादा, एंड वो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। हल्का पपड़ी बनती है बाद में और वो निकल जाती है, इतना कोई चिंता की जरूरत नहीं होती है। आपको सेकंड वीडियो में जो टैटू रिमूवल पे हम बनाएंगे उसमें हम आपको सर्जिकल रिमूवल के बारे में बताएंगे कि ऑपरेशन से भी क्या निकाला जा सकता है टैटू, ये मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी लेजर टैटू रिमूवल के बारे में जानकारी बढ़ी है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार।